हेलो गाइस, मेरा नाम है सोहिल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसके इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सैमसंग के फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की पीसीबी के बारे में। इसमें क्या प्रॉब्लम था गाइस, वो प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व कर दिया है मैंने, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये देखो, ये फोकस कर लेता हूँ उसको मैं। ये गाइस, ये जो आईसी है ड्रेन मोटर की आईसी है और ये रेंस और वॉश की आईसी है। तो ये आईसी क्या ख़राब हो चुकी थी गाइस, तो इसको चेंज करना और कौन सी आईसी आप लगाओगे, यहाँ से जो आईसी ख़राब हो चुकी है वो निकाल के आप कौन सी आईसी लगाओगे उसके बारे में आपको बताऊँगा गाइस। तो ये जो आईसी मैंने लगाई है वो BT134 करके एक ट्रांजिस्टर आता है, वो मैंने लगाया है, उसको लगाया। मैं वीडियो के बीच में इसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा। तो ये भी यही है, 134 ही है और ये भी 134 ही है गाइस। तो गाइस देखो, मैंने यहाँ से एक सेकंड में जूम करके बता दे रहा हूँ आपको, ये देखो। तो गाइस देख सकते हो आप, तो मैंने यहाँ से देखो आप, यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ शॉर्ट किया हुआ है। तो ये ड्रेन मोटर का कनेक्टर है, तो यहाँ से वो क्या पूरा ब्लास्ट हो चुका था, ये पूरा ये वाला डिपार्टमेंट पूरा ब्लास्ट हो चुका था, पूरी तरह से मतलब फेल हो चुका था। तो यहाँ से वो आईसी निकाल के दूसरी आईसी मैंने बिठाई है। और ये देखो, मैं इसका नंबर जूम करके दिखा सकता हूँ, तो मैं शायद दिखेगा नहीं, बट मैं आपको वीडियो के बीच में उसकी डिटेल्स डाल दूंगा। BT134 करके है ये ट्रांजिस्टर नंबर है, BT134। ये आपको कहीं भी मतलब मिल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप होगी जहाँ पे ये पार्ट्स मिलते होंगे वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो गाइस, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप ये वाला ट्रांजिस्टर भी डाल सकते हो ये आईसी निकाल के। ये आईसी यहाँ पे कौन सी आईसी थी उसकी भी मैं डिटेल दे दूँगा वीडियो के बीच में, यहाँ से मैंने कौन सी आईसी निकाली है और ये आईसी कहाँ पर आती है ये भी मैं बताऊँगा आपको गाइस। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे आती है ये आईसी, ये वाला सॉकेट में आती है। तो ये वाला जो सॉकेट है ये हमारा पूरा, ये ड्रेन मोटर का सॉकेट है, ये जो है ये सॉकेट ड्रेन मोटर का है, यहाँ पे रेंज का आता है और ये इनलेट का है, इनलेट वॉल्व का। तो ये तीन, वो यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट आते हैं गाइस, ड्रेन मोटर, रेंज और इनलेट वॉल्व। तो ये दोनों, ये जो है ये मैंने इनलेट वॉल्व का लगाया हुआ है, यहाँ से देखो गाइस, ये इनलेट वॉल्व का है और एक रेंज का है और ये पूरा डिपार्टमेंट ड्रेन मोटर का ही है। ड्रेन मोटर क्या हो रहा था मैं आपको वीडियो डालूंगा कि ड्रेन मोटर खींच लेता है लेकिन छोड़ता नहीं है। ड्रेन मोटर क्या होता है कि पुल कर लेता है लेकिन पुश नहीं करता है गाइस। ड्रेन मोटर मशीन है वो खींच लेता है लेकिन छोड़ता नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने ये पूरा आईसी चेंज किया है गाइस। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो गाइस ये वाला पहले तो आप चेक कर ले, ड्रेन मोटर वगैरह चेक कर ले कि वो सही है कि नहीं है, उसके बाद फिर सर्किट में चेक करें कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और है तो ये वाला ट्रांजिस्टर चेक करके आप चेंज कर सकते हैं। मैं कौन सा ट्रांजिस्टर लगाने वाला हूँ आपको लगाना है वो मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा गाइस। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो देखने के लिए गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।